हेलो, आज हम लोग पदार्थ की प्रतिरोधकता तथा प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव पढ़ते हैं। पदार्थ की प्रतिरोधकता पर ताप पर निर्भर करती है, परंतु भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए यह निर्भरता भिन्न भिन्न होती है। तो यदि हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पदार्थ की प्रतिरोधकता को रो नाट मान लें और 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर रोटी मान लें, तो रोटी बराबर होता है रो नाट 1 प्लस अल्फा टी। और चूंकि प्रतिरोध आर बराबर होता है रो इंटू एल अपान ए, तो दिए गए चालक तार के लिए एल और ए कांस्टेंट हो जाएगा, तो आर प्रोपोर्शनल रो हो जाएगा। तो इस प्रकार प्रतिरोध भी प्रतिरोधकता की भांति संबंध रखेगा। तो रोटी बराबर होता है रो नाट 1 प्लस अल्फा टी। रो नाट को कहा जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर विद्युत प्रतिरोध, और रोटी को कहा आर टी को कहा जाता है सॉरी आर नाट को आर नाट को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर विद्युत प्रतिरोध, और आर टी को 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर विद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। तो इन दोनों समीकरणों में ये जो अल्फा प्रयुक्त किया गया है कांस्टेंट, उसको कहा जाता है पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक। ये जो अल्फा है उसको पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं, और इसका मात्रक जो होता है वो प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब अल्फा का मान जो होता है अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। कुछ पदार्थों के लिए धनात्मक होता है, कुछ के लिए ऋणात्मक होता है, और कुछ के लिए नगण्य होता है। तो इस प्रकार कुछ पदार्थों की प्रतिरोधकता बढ़ती है ताप बढ़ाने पर, कुछ की घटती है, और कुछ की प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस बात की व्याख्या या इसकी व्याख्या हम इस प्रकार कर सकते हैं कि हम जानते हैं पदार्थ की प्रतिरोधकता रो बराबर होती है एम अपान यानी स्क्वायर टाउ, और आर बराबर होता है ओम के नियम के उत्पत्ति में हम लोगों ने पढ़ा था एम ई यानी स्क्वायर टाउ एल अपान ए, इसी से रो बना, ये एल अपान ए कॉन्स्टेंट हो जाता है दिए गए तार के लिए। तो इन दोनों संबंधों से स्पष्ट है कि चाहे रो हो चाहे आर हो, दोनों एन और टाउ पर निर्भर करते हैं। यन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एकांक आयतन में पदार्थ के, और टाउ शांति काल है अर्थात दो धनायनों के बीच क्रमागत टक्कर में लगा औसत समय। तो इस सूत्र से स्पष्ट है कि रो का मान यन के व्युत्क्रमानुपाती होता है और टाउ के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम लोग इसी आधार पर ये पढ़ते हैं कि शुद्ध धातुओं की प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये है शुद्ध धातुओं के लिए। तो शुद्ध धातुओं का जब हम ताप बढ़ाते हैं तो यन में जो वृद्धि होती है वो नगण्य होती है लगभग, या यन जो होता है वो सेम रहता है, यन में कोई खास वृद्धि नहीं होती। परंतु ताप बढ़ने के कारण जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो ऊष्मीय वेग है वो बढ़ जाता है वी आर एम एस अंडर रूट परम ताप टी। तो इसके बढ़ जाने की वजह से अब जो धनायनों से टक्कर है वो जल्दी जल्दी होने लगती है मुक्त इलेक्ट्रॉन की, अर्थात जो समय है टकराने का वो कम हो जाता है, अर्थात यूं कहिए कि श्रांति काल घट जाता है। तो जब यहाँ फार्मूले से स्पष्ट है कि श्रांति काल घटेगा तो रो का मान बढ़ जाएगा। तो इससे स्पष्ट है कि जो शुद्ध धातु होते हैं उनका जो वैद्युत प्रतिरोध है या उनकी जो प्रतिरोधकता है वो ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। अब ज्यादातर ये देखा गया कि जो अल्फा का मान है वो शुद्ध धातुओं के लिए 1/273 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यहाँ पर अगर हम अल्फा की जगह इन फार्मूलों में शुद्ध धातुओं के लिए 1/273 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड ले लें तो ये आ जाएगा 273 प्लस टी 273। तो ये बन जाएगा परम ताप ऊपर वाला, क्योंकि 273 प्लस टी डिग्री सेंटीग्रेड अगर जोड़ दिया जाता है तो वो बन जाता है केल्विन में, तो टी लिख देंगे परम ताप टी। तो इस प्रकार फार्मूले से आ जाएगा रोटी प्रोपोर्शनल या आर टी प्रोपोर्शनल, तो हम रो प्रोपोर्शनल या आर प्रोपोर्शनल कैपिटल टी कह सकते हैं। तो इससे ये निष्कर्ष निकल के आया कि शुद्ध धातुओं की जो प्रतिरोधकता है या जो प्रतिरोध है वो परम ताप के लगभग अनुक्रमानुपाती होता है, एग्जैक्ट अनुक्रमानुपाती नहीं लगभग अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार अगर हम इन शुद्ध धातुओं के लिए रो और टी के परिवर्तन को ग्राफ में शो करें तो ग्राफ लगभग सरल रेखा होती है। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ दिखाया गया रोटी का, ये सी यू के लिए दिखाया गया कापर के लिए। अब यहाँ पर हम लोग दूसरा पॉइंट मिश्र धातुओं के लिए बात करते हैं। तो मिश्र धातुओं के लिए अल्फा का मान भी धनात्मक होता है, परंतु इनकी प्रतिरोधकता धातुओं की तुलना में बहुत कम बढ़ती है। जैसे उनकी शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध या प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर तेजी से बढ़ती है, लेकिन इन पर जो मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता या ताप प्रतिरोध पर प्रभाव पड़ता है वो लगभग नगण्य होता है, बहुत कम पड़ता है। और इसमें से कुछ धातुएं जैसे नाइक्रोम है, कॉन्स्टेंटन है, यूरेका, मैग्नीन आदि की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव नगण्य होता है, अर्थात इनकी अगर ताप बढ़ाओ तो इनकी प्रतिरोधकता पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता, तो इनके लिए अल्फा का मान नगण्य होगा। अब इसमें जैसे ग्राफ में नाइक्रोम के लिए रो का परिवर्तन टी के साथ दिखाया गया है, तो ये लगभग सीधी रेखा होती है।
क्योंकि यहाँ टेम्परेचर 200 लिया गया, यहाँ 400, तो इस 200 के अंतराल में ये जो इसका ढलान बहुत ही कम चेंज हो रहा है, इसका मतलब है लगभग जो है कांस्टेंट है रो ताप बढ़ाने पर लगभग। और इसी गुण के कारण, क्योंकि शुद्ध धातुओं का जो विशिष्ट ये जो प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध बहुत अधिक होता है और ताप का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इनके तार यानी मिश्र धातुओं के तार जो प्रतिरोध बॉक्स में या मीटर सेतु में या विभवमापियों में प्रयुक्त किए जाते हैं। अब हम लोग अर्धचालकों के लिए समझेंगे। तो अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर यन का मान तेजी से बढ़ता है, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों मुक्त आवेश वाहकों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ जाती है सहसंयोजक बंध टूटने के कारण। और साथ ही ताप बढ़ाने से जो टाऊ का मान है वो यद्यपि घटता है, लेकिन इसकी तुलना में टाऊ के घटने की तुलना में यन में जो वृद्धि होती है वो बहुत अधिक होती है। तो इस प्रकार फार्मूले से स्पष्ट है कि जो रो होगा अर्धचालकों का वो तेजी से घटेगा। तो ताप बढ़ाने पर उनका रो और प्रतिरोध आर भी तेजी से घटता है। तो अर्धचालकों के लिए जो अल्फा का मान होता है वो ऋणात्मक होता है, और जो वैद्युत अपघट होते हैं उनके लिए भी अल्फा का मान ऋणात्मक होता है, अर्थात उनका भी उनकी भी प्रतिरोधकता या प्रतिरोध वो ताप बढ़ाने पर घटता है। और विशिष्ट जो विद्युत रोधी होते हैं उन पर भी ताप का इसी प्रकार का नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, ताप बढ़ाने पर उनके भी प्रतिरोधकता घटती है। तो ये चित्र में अर्धचालकों के लिए रो और टी का परिवर्तन दिखाया गया है। तो इस प्रकार लगभग ये देखिए वक्र दिखा रहा है कि जैसे जैसे ताप बढ़ता है वैसे वैसे अर्धचालकों की जो प्रतिरोधकता है या जो प्रतिरोध है वो बहुत तेजी के साथ घटता है। तो ये है विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता और प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव।